हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फॉर एनहेंसिंग योर नॉलेज एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से टीचिंग का कुछ क्वेश्चन करेंगे। टीचिंग के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसा है। पिछले वीडियो में जो मैं आप लोग को अपलोड की थी, आई होप कि आप लोग देख लिए हों और समझ चुके हों कि किस टाइप के टीचिंग से क्वेश्चन रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ टीचिंग पैडागोजी से क्वेश्चन करते हैं जो सी टेट एम टेट ये सब में आते रहते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कौन सा कहलाता है? इसका देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब वो तार्किक रूप से रीजनिंग तौर से सोचने लगता है तो कौन सा कहलाता है? मन का मानचित्रण संबंधित है, मन का मानचित्रण, ये मैं आप लोगों को बताई थी ये क्वेश्चन। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ये हो जाएगा सी नंबर। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबंधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, तो है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये कौन सा है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या? ये गर्ल्स को जो एजुकेशन आया है, गर्ल्स एजुकेशन, क्या ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो कारण बताइए। बालिका, देख लेते, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसकी उपेक्षा करेंगे। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे सबसे अधिक होना संभव है। समकक्षी अनुमोदन के लिए बेचैनी। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है, इसका व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान और संख्या। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के लिए प्रतिबिंब नहीं है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? देखते हैं, नाम मात्र की भूमिका है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? इदम। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? सामाजिक संचरण उनका प्याजे का नहीं है। एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद रहने देते, छोड़िए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट बोलिए या फिर आप इसको टीचिंग मेथोलॉजी बोलिए, इससे आपको आते रहते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन लेकर के हम लोग आएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे हम लोग निकालते हैं कहाँ से, नेट ये आप लोग के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। आपका चैनल है, आपके बेनिफिट के लिए बना है। तब तक के लिए हैव अ नाइस।